अब बात यह है कि आज का जो दुनिया का जो वक्त है, आज का वक्त जो है ये रफ्तार का वक्त है, दौड़ भाग का वक्त है। आदमी, हर इंसान शॉर्टकट जिंदगी के अपनाना चाहता है, अपना रहा है, और रॉकेट में जा रहे हैं, कॉन्कॉर्ड में बैठना चाहते हैं, और लाउड म्यूजिक बज रहा है, और फ्यूजन और कन्फ्यूजन, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। लेकिन हमें आज इस शोर शराबे की दुनिया में, इस अशांति पूर्वक माहौल में हमें शांति की जरूरत है, हमें सुकून की जरूरत है, हमें आराम की जरूरत है, हमें साधना करने की जरूरत है। तो साधना करने से ही एक एक स्वरों में तासीर आती है, उसमें असर पैदा होता है कि सुनने वाला रोने भी लगता है, या खुद भी हम रोते हैं कई दफा। ये ईश्वर का रूप आ जाता है उस स्वर में, उसमें तासीर आ जाती है, वो दिल को छूता है। ये हमारे मौसीकी की खूबी है कि जब हम लोग पवित्रता के साथ, ईमानदारी के साथ, सिंसेरिटी के साथ स्वरों का अवतारणा जब करते हैं, तो आज के ज़माने में, हालांकि जैसे जैसे सुनने वाले, सुनकार, वो यंग हो या ओल्ड हो, नए हो या पुराने हो, शास्त्रीय संगीत को जब सुनते हैं, और अच्छे कलाकारों का गाना बजाना जब सुनाई देता है, तो आज बहुत बड़ी ऑडियंस है, खुदा का शुक्र है। और बंगाल, महाराष्ट्र, साउथ, दिल्ली, हर जगह बहुत बड़ी ऑडियंस पूरे हिंदुस्तान में हो गई है, और लोग महसूस कर रहे हैं कि कितना शास्त्रीय संगीत का जो जादू है, अगर 7 स्वर रोज आदमी गाए या बजाए, तो वो योगा से भी उसका ज्यादा इफेक्ट होता है, क्योंकि हर दिमाग के पुर्जे स्वरों के साथ जुड़े हुए हैं। इसीलिए ये रफ्तार की दुनिया में शांति की सख्त जरूरत है। और यही नहीं, हमारे म्यूजिक के जरिए पूरे इतना बड़ा मैसेज है, फ्रीडम विद इन द डिसिप्लिन, यही कॉन्सेप्ट है हमारे म्यूजिक का, कि आरोह अवरोह जो भी स्वर की होती है, डिसिप्लिन है वो, और उसमें आप फिर आजादी है, इम्प्रोवाइजेशन करिए, लेकिन ऐसी आजादी नहीं जो डिस्ट्रक्टिव आजादी हो। तो इसीलिए पूरे दुनिया में, दुनिया का संगीत, वो चाइनीज हो, जापानी हो, वेस्टर्न हो, पॉप हो, फिल्मी हो, गजल हो, कबाली हो, शब्द हो, कुछ भी हो, हर गाने का आधार सारे गामा पाधा नहीं। और रफ्तार जब बदलती है गानों की, तो कुछ ऐसे भी गाने जो लग रहा है शोर हो रहा है, वहां से भागने को दिल करता है, और कोई ऐसे भी गाने के लगता है कि बैठे रहो यहां और सारी रात सुनते रहो। और उसी वजह से आज भी हम ये सब बुजुर्गों के, आपने हमारे यहाँ फोटोग्राफ्स देखे, 3-3 मिनट के इनके रिकॉर्ड्स हैं, पुराने वादकों के, गायकों के, हालांकि अच्छी क्वालिटी नहीं है रिकॉर्डिंग की, लेकिन हम म्यूजिक की क्या क्वालिटी है उस पर हमारी निगाह है, कि हमें वो 3 मिनट में तीनों लोक के दर्शन हो जाते हैं।